सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल म्यूजिकल अमित में। मैं हूं अमित। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि अभी आपने देखा होगा इंडियन आइडल शुरू हो चुका है, तो अब हर जगह कहीं ना कहीं, मतलब चाहे यूट्यूब है, गूगल है, हर जगह सर्च हो रही हैं कि इंडियन आइडल में कैसे सिलेक्ट हुआ जाए या कौन से गाने गाए जाएँ जिससे हम सिलेक्ट हो सकते हैं। या इंडियन आइडल ही नहीं, या और भी जैसे वॉइस इंडिया है और बहुत सारे जो भी सारे गामा पा ये सब लिल चैम्प्स भी होते हैं, जो भी होते हैं। मतलब मेन फोकस, मेन आज हम बात करेंगे कि रियलिटी शो जो है वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। मतलब सही गलत की बात करेंगे और एक न्यूट्रल चीज़ की बात करेंगे कि होना क्या चाहिए। मतलब अगर कोई सीख रहा है, कोई गायक है, कोई संगीतकार है जो अच्छा गाता है या उसे लगता है कि मुझे अपना करियर परस्यू करना चाहिए, तो क्या सिर्फ ऑडिशन ही ऑप्शन है, रियलिटी शो ही ऑप्शन रह गया, या और भी कुछ ऑप्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे मेन पॉइंट तो हमारा ये रहेगा ही कि रियलिटी शो सच होते हैं या जो दिखाया जाता है कई बार कोई बोलता है फेक होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं, पैसे लेके बुलाया जाता है या पैसे दिए जाते हैं, तो उन सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो देखो यार, पहले तो क्या होता है कि आपका टैलेंट हमेशा आपका साथ देता ही है, ठीक है। अगर आपने अच्छा सीखा होगा तो आप कहीं भी सिलेक्ट हो जाओगे, फिर चाहे अगर वहाँ पे पैसे की भी बात चल रही होगी तो टैलेंट के दम पे वो झुक जाएंगे, मजबूर होके उन्हें आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। और अगर पैसे वैसे की बात होती है तो मैंने तो आज तक ना किसी से सुना है, और जो जहाँ तक भी मेरे कनेक्शन है जिन भी सिंगरों से या जिनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि हाँ पैसे लेके उन्हें बुलाया गया हो या उन्हें पैसे लेके बोला गया हो कि आपको ये चीज़ें बोलनी है, ठीक है। तो ये सब तो नहीं होता। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे आपने इंडियन आइडल अकेडमी सुनी होगी, अलग अलग सिटीज़ में इंडियन आइडल अकेडमी है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है और शायद कलकत्ता में भी है। तो वहाँ से क्या होता है, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हाँ इंडियन आइडल शुरू होने लग रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप ऐसे ऐसे गाइए या अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज़ कीजिए सो दैट हम आपको भेज सकें। तो एक हम वो पॉइंट कह सकते हैं कि उनको, वो इंडियन आइडल अकेडमी है तो हो सकता है थोड़ा सा प्रेफरेंस उनको मिले कि हाँ भाई आप इसी अकेडमी से आए हो और इंडियन आइडल हमारा सेम ही है, दोनों हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो हो सकता है कि पहले प्रायोरिटी उन्हें मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी किसी को नहीं मिलेगी। अगर वो 10 बच्चे नॉर्मल सिलेक्ट करते हैं तो वो 2 या 3 बच्चे उस अपने इंडियन आइडल अकेडमी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और उन्हें राइट भी है और करना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप या हम इस चीज़ को कैसे लेते हैं। हम इसको बोल भी सकते हैं कि ये तो अलग ही स्क्रिप्टेड है, वहाँ से उठा रहे हैं बच्चे। लेकिन अगर आप ये भी तो सोचो, अगर उस बच्चे की आवाज़ में दम नहीं होगा तो जब वो मेन जजेस के सामने जाएगा, जो भी जजेस अंदर हैं, बेशक अगर उनके बैकएंड वाली टीम उन्हें पास कर देती है, ठीक है, चाहे वो लेवल 1 पे, लेवल 2 या लेवल 3 पे भी पहुँचते हैं, अगर वो उन्हें पास कर देते हैं, कुछ भी है, चाहे उनकी जान पहचान है, कुछ भी है, लेकिन अंदर जो मेन जज बैठे होंगे, जो टीवी पे टेलीकास्ट होता है, चांसेस हैं कि वो उसको सिलेक्ट ना करें अगर वो अच्छा नहीं गाता है, अगर वो जैक लगवा के आया है। क्योंकि अगर मान लीजिए उन्होंने उसको सिलेक्ट कर भी लिया, ठीक है, तो ऑडियंस जो है, जो ऑडियंस, क्योंकि आजकल हर ऑडिशन में ये होने लगा है रियलिटी शो में कि ऑडियंस से वोट्स लिए जाते हैं, कि उनसे पूछा जाता है कि आपको ये बंदा कैसा लग रहा है, क्योंकि वो सिर्फ अपने ही जजमेंट के बेसिस पे नहीं चलते। आजकल ये भी आ गया है कि ऑडियंस से भी पूछा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि होता है कि सोनी लिव पे जाके वोट करो इसको, अपने फेवरेट सिंगर को वोट करो, तो अगर वो अच्छा नहीं होगा तो ऑडियंस उसे वोट नहीं देगी, वो ऑटोमेटिकली बाहर ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई। अब एक बात करते हैं कि अगर कोई वहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है, मतलब अगर कोई सिलेक्ट हो गया है टॉप 20, 15 में, 14 या 12 में आ चुका है, उसके बाद जैसे आपने देखा होगा कभी कोई हंसी मजाक हो रहा है या कभी कोई अलग ही पूरा थीम चल रहा है, कोई होली का थीम चल रहा है, कोई दिवाली का थीम चल रहा है, कोई फनी थीम चल रहा है, उसको हम बोल सकते हैं वो स्क्रिप्ट है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं। जैसे किसी ने बोला कि हाँ मेरे ये सिंगर फेवरेट हैं और वो पीछे से एकदम से वही सिंगर आ जाते हैं, उस चीज़ को हम बोल सकते हैं वो स्क्रिप्टेड है। लेकिन इस चीज़ को बोलना कि गाना ही वहाँ पे पूरा स्क्रिप्टेड है, इसने तो अच्छा नहीं गाया तब भी इसको सिलेक्ट कर लिया, वो बात नहीं। वो बात बैकएंड तक मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, हो सकता है, और वो भी मैं 100% नहीं कह रहा उसमें भी, क्योंकि हमें नहीं पता वहाँ पे कैसे सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि उसमें भी 2 चीज़ें हो जाती तो वहाँ पे आके हम डाइसी हो जाते हैं थोड़ा, कि हो सकता है कि वो आपको 10 सेकंड में सिलेक्ट कर लें, हो सकता है आपको ना सिलेक्ट करें। अगर आप सिलेक्ट हो गए तब तो आप बोलोगे, फॉर श्योर बोलोगे कि हाँ वहाँ पे
सिलेक्टिंग का जो क्राइटेरिया है बहुत अच्छा है क्योंकि आपको सुना गया। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको 5 सेकंड में ही मना कर दिया गया तो उसको क्या लगेगा, अब उसके माइंड में क्या बैठ जाएगा कि यार यहाँ का तो क्राइटेरिया ही बेकार है तो इसलिए ऑडिशंस में जाने बेकार है। तो वो चीज़ नहीं होती क्योंकि हर एक रियलिटी शो का अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है, एक उनका एक प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करते हैं या जिसको वो फॉलो करते हुए इतने सालों से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक बात आती है कि सिर्फ अगर किसी को सिंगर बनना है या प्रोड्यूसर बनना है या कंपोज़र बनना है, कुछ भी बनना है, तो क्या रियलिटी शो ही बच रहा है सिर्फ? तो उसका आंसर है नो। लोग क्या करते हैं टीवी में आने के लिए, या एक तरह से बोलें, बेशक वो बोलें कि हाँ हमें फेमस नहीं होना, लेकिन एक अगर बोलें रिकॉग्निशन लेने के लिए, वो टीवी की तरफ जाते हैं क्योंकि एक तरह से मैं बोलूँ कि वो एक शॉर्ट तरीका हो जाता है। जैसे अगर कोई है वो पहले क्या करेगा, 5-6 साल वो प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, उसके बाद वो म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाएगा, उनसे अपॉइंटमेंट लेगा या उन्हें ईमेल करेगा या अपने स्क्रैचेस रिकॉर्ड करके उन्हें सेंड करेगा, ठीक है, ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है, आपने अपनी आवाज़ अच्छी करी या गॉड गिफ्टेड आपकी वॉइस है, आपने थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस की है, उसके बाद आपने क्या किया, आप सीधा ऑडिशंस में जाते हो। जहाँ भी ऑडिशन हो रहे हैं, आप अगर महीने में 2 ऑडिशन 3 ऑडिशन हो रहे हैं, आप किसी भी ऑडिशन को छोड़ नहीं रहे हो, तो वो भी आपका एक पॉइंट स्ट्रांग बन जाता है क्योंकि ना कि उसका एक्सपीरियंस पड़ता है, उसको पता चलता है कि कैसे यहाँ पे गाना है या क्या टेक्निक्स होती हैं। हो सकता है जो इंटरनल रूम में, अंदर रूम में बैठ के उसके गुरुजी ने बताया, टीचर ने बताया, हो सकता है वो वहाँ पे काम ना करें क्योंकि वहाँ का जो सराउंडिंग होगा, वहाँ का जो माहौल होगा, हो सकता है उस टाइम पे ही ऑन द स्पॉट कुछ नया सीखने को मिले, तो उससे जो एक्सपीरियंस आएगा वो अलग होगा। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे चांसेस है कि वो धीरे धीरे जब अगली स्टेजेस में जाएगा या नेक्स्ट ऑडिशन में ट्राई करेगा तो चांसेस हैं कि उसके जो टेक्निक्स हैं वो डेवलप हों, अच्छे हो जाएं, क्योंकि उसे पता रहेगा कि मैंने पिछले में ये गलती की थी, लास्ट वाले में ये गलती की थी, तो वो उसको इम्प्रूव करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिर्फ यही तरीका है इसमें जाने का, नहीं, वो देखो आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं यूट्यूब के थ्रू अपने कवर्स डालूँ तो आप वो कर सकते हो, ठीक है, वो भी एक अलग रास्ता है। और अगर आपका मोटिव है कि नहीं मैं ऑडिशन में जाऊंगा, तो आप प्रैक्टिस करके ऑडिशन में जाते हो, आप रियलिटी शो में ट्राई करते हो। लेकिन इसमें से हाँ, बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये हम कह सकते हैं छोटा, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म तरीका पड़ जाता है कि ठीक है इंस्टेंटली अगर किसी को फेमस होना है तो बाद में रिकॉग्निशन मिल जाती है। लेकिन उसके बाद भी मैक्सिमम सिंगर्स क्या गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं, ऑडिशन दिया उन्होंने या टॉप 15 तक आ गए, तो आपने देखा होगा अगर वो बाहर आ जाते हैं तो मुश्किल से कोई एक आदि ऐसा होता है जो थोड़ा सा ग्रो अप करता है, जो सबसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ बाद में आपको उसके गाने भी सुनने मिलते हैं। और बाकी कुछ आपने देखा होगा जो टॉप 5 तक भी आते हैं लेकिन उनका आज तक कहीं पर नाम नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ आ जाती है, वो लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि मेरे पे काम आएगा, मेरे पे काम अपने आप आएगा, अब तो मेरा नाम हो गया तो मेरे को रिकॉग्निशन मिल चुकी है तो लोग अपने आप ही मेरे को अप्रोच करेंगे। तो ऐसा नहीं होता, आपको हमेशा काम करते रहना पड़ता है, आपको ट्राई करते रहना पड़ता है। इवन अभी जो कई प्लेबैक सिंगर हैं वो खुद अपने म्यूज़िक डायरेक्टर्स को अपने स्क्रैच रिकॉर्ड भेजते हैं, तो अगर वो भी ये सोच के बैठ जाएं कि मुझे काम आएगा, तब तो उन्हें काम आएगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोच के बैठना होता कि हाँ कि मैं इसी में जाऊँगा सिर्फ या इसी में, तो आप या तो आप कर सकते हो कि एक ही रास्ते पर फिक्स रहो, ठीक है, या तो आप ये करो कि हर रास्ते पर आप थोड़े थोड़े एफर्ट्स डालते रहो, क्योंकि हो सकता है किसी भी रास्ते पे आपको डेस्टिनेशन मिल जाए, अपना गोल मिल जाए, जहाँ पे आपको थोड़ी विजिबिलिटी हो, क्लियरेंस मिले कि हाँ ठीक है अगर मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ तो ये मेरे को वर्कआउट कर रहा है और ये मेरे को कुछ एक आउटकम निकाल के दे रहा है, ठीक है। और आपने एक देखा होगा कि जैसे ही ऑडिशन शुरू होते हैं तो लोग क्या है, भागते हैं, जैसे होता है ना भेड़ चाल, तो भेड़ चाल में कभी मत भागो। ये मत देखो कि यार ये ऑडिशन शुरू हो गया, इसमें 1000 लोगों की लाइन है तो मैं भी 1000 लाइन में जाके लग जाऊँगा। हाँ, लाइन में लगना गलत नहीं है, लेकिन ये चीज़ गलत है कि अगर आप उन 1000 को देख के उस लाइन में जा रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि जब जहाँ पे बंदे ज़्यादा होते हैं, बहुत ही बेसिक सेंस की बात है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कोई भी लाइन होगी, चाहे किसी भी फील्ड की लाइन होगी, चाहे जॉब से रिलेटेड लाइन होगी, चाहे डांस से रिलेटेड होगी, चाहे सिंगिंग होगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइन होगी उसमें चांसेस हैं कि बहुत ही बेस्ट, मान लो बेस्ट 5 हैं, उन बेस्ट 5 में से भी बेस्ट 2 सिलेक्ट होंगे। आप ये मत सोचो, बल्कि आप ये सोचो वहाँ पे कि चांसेस है मेरा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे लाइन इतनी लंबी लगी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच के जा रहे हो हाँ इन हज़ारों में से भी मेरा हो जाएगा, तो वो आपको आपकी कहीं ना कहीं वो बेवकूफ़ी भी है,
ठीक है, या तो आप बहुत ही आपकी वॉइस में कुछ अलग ही बात है, टेक्सचर है, तब आप उसको एडमिट भी कर सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि भेड़ चाल में या एक ही गधे की रेस में सब भाग रहे हैं तो वहाँ पे जाना ठीक नहीं है। इंस्टेड आप अपना कवर सॉन्ग रिकॉर्ड करके डालो, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, और बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं जहाँ से आप एक अलग स्टैंड आउट हो सकते हो, क्योंकि आजकल तो डिजिटल चीज़ों का ज़माना है। आजकल हमें ऑडिशन के लिए या सिर्फ किसी शो के भरोसे हम बैठे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये हो सकता है, आप ये भी सोचो, अगर सोचो आप अच्छा गा रहे हो, ठीक है, तो चांसेस हैं कि मान लीजिए कोई म्यूज़िक डायरेक्टर है या कोई सिंगर है, वो अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक कुछ भी चला रहे हैं और कहीं ना कहीं गलती से उनके एक्सप्लोर पेज पे आपकी कोई वीडियो टकरा जाती है। अगर आपकी वॉइस उन्हें अच्छी लगी तो डेफिनेटली वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, और ये चीज़ होती है और बहुत लोगों के साथ हो चुकी है आजकल के टाइम में। तो इंस्टेड आपके उन हज़ारों लाइनों में लगो, हाँ ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, वो दैट इज़ ओके, लेकिन ये मत सोच के बैठ जाओ कि हाँ सिर्फ इंडियन आइडल ही है, नहीं तो कुछ नहीं है। नहीं तो मैंने कईयों को ये भी बोलते हुए सुना है, वो बोलते हैं कि इंडियन आइडल में हुआ तो हुआ, नहीं तो यार मैं तो सिंगिंग छोड़ दूंगा। तो वो चीज़ नहीं होती, वो मैच्योर चीज़ नहीं है, वो इमैच्योर बातें कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसलिए फोकस हमारा ये होना चाहिए कि मैं थोड़े थोड़े एफर्ट्स हर जगह डालूँ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके क्या इसमें सुझाव हैं मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना, और आप क्या सोचते हो, क्या ऑडिशन फेक होते हैं, रियल होते हैं? क्योंकि मैंने आपको बता दिया उसमें कभी स्क्रिप्ट होती हैं, रिकॉर्डिंग के टाइम पे कभी स्क्रिप्ट होती हैं, लेकिन सिलेक्शन के टाइम पे आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होता है। तो आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे या किसी राग पे, किसी अलंकार पे वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, उस पर मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।